बड़का समाचार के बाद अब बिरा हो गए खबर छत्तीसा के। चुनावी सभा लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचिस मोहंदीपाट। बाबा मोहंदीपाट के पूजा पाठ कर लिस आशीर्वाद। सभा ला संबोधित करत मुख्यमंत्री मोदी रमन और अमित शाह ऊपर जमके निशाना साधिस। देखो रिपोर्ट। बालोद जिला के मोहंदीपाट गांव पहुंचे मुख्यमंत्री सभा ला संबोधित करत अपन कार्यकर्ता मन ला लोकसभा चुनाव जीते बर चार्ज करिस और भाजपा ऊपर चुटकी लेत कहिस। प्रदेश अध्यक्ष ला नहीं दे गए टिकट, अध्यक्ष तो बना दे है फिर टिकट के योग्य नहीं समझेस। जो शौचालय जो लोग उपयोग कर रहे हैं और उसके प्रमाण पत्र भेजने के बाद भी उनका पैसा नहीं भेज रहा है तो ये भारत सरकार के कथनी और करनी में जो अंतर है वो स्पष्ट दिखाई देता है। कौन सा सरकार है जो कर्ज नहीं लेती? एक ऐसी सरकार बता दो हिंदुस्तान में जो कर्ज नहीं लेता। और दूसरी बात, कर्ज हमने किसके लिए लिया? किसानों के धान खरीदने के लिए, गरीबों को चावल देने के लिए, 35 किलो चावल देने के लिए, और हम लोग कोई चप्पल खरीदने के लिए या मोबाइल खरीदने के लिए कर्ज नहीं लिया, कमीशन खोरी के लिए कर्ज नहीं लिया। सीधा पैसा सब किसान के खाते में जा रहा है। कर्ज माफी जो है वो मास्टर स्ट्रोक। देखो उसको गांव की समझ तो है नहीं। पहले कलेक्टर मुख्यमंत्री थे, उसके बाद डॉक्टर मुख्यमंत्री, पहली बार तो किसान मुख्यमंत्री बना है। गांव के दर्द को, गांव की तकलीफ को समझते हैं, नरवा भी समझते हैं, गरवा भी समझते हैं। हम लोग उसमें कमीशन नहीं खाते गरवा के नाम से। उन्होंने तो गौशाला के नाम से करोड़ों रुपया पैसा दिया और गाय के चमड़े को भी, गाय के मांस को भी, गाय के हड्डी को तक भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेचा है, उससे भी पैसा बनाया है। आज तक के गाय के नाम से वोट तो मांगते रहे, नोट भी कमाने का काम उन्होंने किया है। कार्यक्रम में बड़का संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मन शामिल रहे। बालोद ले जागेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।